जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? और बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम बहुत कम मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग और कैसा एग्ज़ाम जा रहा है आप लोगों का? जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का जो 10 तारीख से उसका स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। और मैं दिल से ही प्रे करता हूँ दोस्तों कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत का रंग ला दे। बस जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत का रंग ला दे, भर्ती हो जाए। बस हम दिल से ही दुआ करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बंदा डिफेंस की तैयारी करता है या डिफेंस के लिए सपना देखता है, अगर वो अधूरा रह जाता है ना, तो उसका जो तकलीफ़ होता है भाई, वो थोड़ा अलग है, बहुत अलग है उसका तकलीफ दर्द। ठीक है, तो इसीलिए चाहता हूँ कि जो लोग सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लग जाए यार। बस यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी सब ठीक ठाक है? पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है? और बहुत सारे भाइयों का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्या करें यार, अब क्या भी बोले यार, किस्मत ख़राब है या क्या है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है डाउनलोड, रिजेक्शन आ गया है बहुत सारे लोगों का। तो बहुत ही दुख की बात है यार, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार बोला था कि आप लोग जब भी अप्लाई करो, ज़रा सोच समझ के करो, अच्छे से करो, फिलअप करो, ठीक है? क्योंकि एसएससी ऐसे तैसे फॉर्म सबमिट नहीं लेता है, ठीक है? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत बार बोला भी पहले। और बाकी सब ठीक ठाक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। और फिलहाल के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।